बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरंगी 5:30 का आज वाकया हुआ है बच्ची के साथ, उसके साथ 5-6 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती और उसको फिर मर्डर कर दिया गया, गर्दन तोड़ गया। वहाँ आए, अभी हम उस जनाजे में पहुंचे हैं तो वहाँ बाहर एक और बाप खड़ा है जिसके बेटे के साथ इसी मोहल्ले में 7 साल के बच्चे के साथ सेम यही वाकया हुआ बेटे के साथ, और उसकी लाश गटर में डाल दी गई। क्या हुआ हटा इसको, ये वाला कपड़ा है ना, दोनों रख दो फिर पूरा हाथ तोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरंगी 5:30 का आज वाकया हुआ है बच्ची के साथ, उसके साथ 5-6 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती और उसको फिर मर्डर कर दिया गया, गर्दन तोड़ गया। वहाँ आए, अभी हम उस जनाजे में पहुंचे हैं तो वहाँ बाहर एक और बाप खड़ा है जिसके बेटे के साथ इसी मोहल्ले में 7 साल के बच्चे के साथ सेम यही वाकया हुआ बेटे के साथ, और उसकी लाश गटर में डाल दी गई। क्या हुआ आपके बेटे के साथ, क्या हुआ था? तो मार के गटर में डाल दिया था उसको। क्या उम्र थी उसकी? 7 साल उम्र थी। कितने अच्छे बाद बॉडी मिली? 24 दिन के बाद मिली। और कोई उसके कातिल आज तक नहीं पकड़े? नहीं। क्या कंडीशन थी बॉडी जब निकाली? बॉडी जो गटर के अंदर पड़ी हुई थी उसकी, गल गई थी यानी बिल्कुल, जब हमने उसको निकाला ना टूट रही थी, जिसम बिल्कुल गड़ जाता है, सड़ जाता है ना पूरा, इस तरह से टुकड़े पड़े हुए। और उन्हीं गटरों में पहले देखा था? नहीं। देखें, उन्हीं गटरों में पहले देख चुके थे, नहीं थी, उसके बाद मर्डर करके वहां डाल दिए। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे, अगर इस बच्चे के कातिल पकड़ लिए गए होते तो आज ये दूसरी मासूम बच्ची के साथ इनका, उसके बाप से मिलते हैं अंदर नमाज जनाजा के लिए मैयत गई है। अच्छा, अभी हम उस बच्ची के जनाजे तक जा ही रहे हैं कि उसी मोहल्ले में एक और, क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा इनका नाम है, ये इनकी बहन है समरा। कितने साल की है? 11 साल की बच्ची है। ये कब से गायब है? ये भी कल से गायब है। एक बच्ची कल रात में गायब हुई, उसकी मैयत में आए जिसके साथ ज्यादती करके उसकी लाश कूड़ा कचरा कुंडी में फेंक दी गई। ये अपनी बहन की तस्वीर लेके गली गली फिर रहे हैं, ये गायब है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपको लग रहा होगा शायद मैयत के गहवारे में कोई पतला सा कपड़े का रोल रखा हुआ, रोल नहीं है, बहुत नाजुक सी, इतनी सी, इतनी बड़ी थी। ये 6 साल की मासूम माह में, और इनके वालिद साहब हैं अब्दुल खालिक साहब, इधर अब्दुल खालिक साहब। कल रात में जब लाइट गई, लोड शेडिंग हुई इनके इलाके में, तो ये पूरे लोग बाहर आ जाते हैं। छोटा सा एरिया कोरंगी 5 नंबर, कोरंगी 5:30 नंबर, ये लोग बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आ गए, वहाँ ये बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ, छोटी बच्ची इनकी, उससे छोटी वाली बहन माम, इससे छोटी वाली बहन को भूख लगी, वो अंदर लेकर गए उसको दूध पिलवाने के लिए। 5 मिनट बाद बाहर आए, बच्ची गायब थी। उसके बाद आपने क्या क्या किया? हमने ये थाने में अपील करी जाके, और हमने FIR भी कटवाई, लेकिन हमारे पे कोई वो नहीं आया, ना हमें किसी ने मदद करी, ना कोई पुलिस वाला आया। सिर्फ हमने ये जो भी काम किया, हमने अपनी मदद आप की है। उसके बाद क्या हुआ? फिर पूरी रात ढूंढते रहे, सारी रात ढूंढे, 5:45 हमें इतला मिली कि जी की, ये जी मार्केट है हमारे इधर, इसके स्कूल के पास एक बच्ची की लाश पड़ी है। अच्छा जी, फिर हम लोग सारे इलाका मकीन गए, उधर देखा तो वहाँ की बच्ची की लाश थी। ये देखें, आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये है वो मासूम जिसको इस वक्त हमारे साथ यहाँ खड़े होना था, लेकिन वो ये लेटी हुई है। उस